जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेदन होम डिवोशंस में। आज हम लेके आए हैं अपनी वीडियो कि हमने किस प्रकार से अपने घर में भगवान श्री हनुमान जी, अंजनी सुत हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी की जयंती यानी उनका जन्मोत्सव हमने अपने घर में अपने श्रद्धा भक्ति से हमने पालन किया और किस तरह से हमने पूजा की, इस वीडियो में आप जरूर। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा में उन्हें चमेली के तेल में मिश्रित सिंदूर को अर्पण करना उन्हें बहुत पसंद है, तो सिंदूर से उनका विलेपन हमने किया। हमारे घर पंचमुखी हनुमान जी भी हैं और सुंदर बिल्कुल ध्यान मग्न ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हनुमान जी भी हैं, उनकी हमने पूजा की। और राम जी भी बिल्कुल थे ही उनके पास क्योंकि वो उनके इष्ट हैं, तो राम जी के बिना तो हनुमान जी की पूजा होती नहीं है, इसलिए हमने हनुमान जी की पूजा के स्थल पर राम जी को भी हमने बिठाया। कुछ ही दिन पहले रामनवमी भी थी तो आपने देखा था मेरा, हमने किस प्रकार से रामनवमी मनाई थी अपने घर में। दोस्तों, शायद आपको कथा मालूम हो कि एक बार हनुमान जी ने सीता मैया को देखा कि वो सिंदूर लगा रही हैं, तो उन्होंने पूछा कि मैया आप सिंदूर क्यों लगाती हैं। तो सीता जी ने कहा कि मैं अपने प्रभु श्री राम के लंबी आयु की कामना के लिए सिंदूर लगाती हूँ। तो ये सुन के हनुमान जी ने अपने पूरे अंग पे पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को सिंदूर से ढक लिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने श्री राम के लिए सिंदूर लगा रहा हूँ, उनके दीर्घ आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। तो इसीलिए भगवान को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है और उनका रूप भी आपने कई मंदिर में देखा होगा, बिल्कुल सिंदूर वर्ण में रहते हैं वो। तो इस तरह से हमने जो ऑरेंज कलर के सिंदूर चमेली के तेल में मिला के हमने उन्हें अर्पित किया और इस तरह से हमने पूजा हमारी आरंभ की। पुष्प अर्पित किए हमने, धूप अर्पित किए, नैवेद्य अर्पित किया हमने, जल अर्पित किया, आरती हमने आरती गाई, हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, हमने संकट अष्टक हनुमान अष्टक जी का पाठ भी किया घर पे और श्रवण भी किया। बिल्कुल पूरे दिन घर पे ऐसा माहौल था जैसे कि बिल्कुल घर में बिल्कुल सभी हनुमान जी की भक्ति में विलीन हो। तो इस तरह से हमने पूरे दिन में हनुमान जी की पूजा की और संध्या को भी इनकी आरती की और इस तरह से हमने पूरे दिन बहुत ही प्रसन्नचित होकर के श्री हनुमान जयंती का पालन किया घर पे। आप देख सकते हैं हमारे पापा जी ने किस तरह से भगवान की हनुमान जी की पूजा की। दोस्तों, चैनल के माध्यम से हम यही हमेशा दिखाते हैं कि कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ भगवान को पुष्प अर्पित कर दें, थोड़ा मीठा अर्पित कर दें, कुछ फल अर्पित करें, इस तरह से अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति से भगवान को उनका मनन चिंतन करें, तो इसी तरह से ही आप उनकी भक्ति श्रद्धा कर सकते हैं। और बाद में आरती कर दें क्योंकि आरती यानी कि मंगल निरंजन करने से आपकी पूजा जो है संपूर्ण होती है। तो जो भी आरती आपको अच्छी लगे आप आरती उस गा करके भगवान, सब भगवान निरंकार एक ही रूप है, आप ओम जय जगदीश हरे का आरती करना चाहे तो कर सकते हैं। हमने आरती की जो हनुमान लला बजा करके हमने उन भगवान हनुमान जी की आरती की और इस तरह से हमने अपनी पूजा संपूर्ण की। दोस्तों, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं हर पावन त्यौहार पे अपने घर के वीडियोस आता रहता हूँ जिससे कि आपको कुछ प्रेरणा मिल सके। और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, मैं ज़रूर जवाब दूंगा उसको। और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे संपर्क करें और बताइएगा किस तरह से आप और क्या क्या वीडियोस देखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। जय श्री राम।